हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीकल डोजोई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मेरे पिछली वैक्सीनेशन पे जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हैं कि डॉग अगर स्क्रैच कर देता है अपने नेल्स से तो इस केस में क्या करना चाहिए, या घाव हो जाता है नेल से और इस केस में क्या करना चाहिए। तो दोनों ही केस में क्या वैक्सीनेशन लगवानी ज़रूरी है या वैक्सीनेशन लगवानी ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ इस वीडियो में, अगर डॉग नेल्स से स्क्रैच कर लेता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या नेल्स के अंदर रैबिस पाया जाता है? तो इसका आंसर नो है। डॉग की नेल्स के अंदर रैबिस जैसा वायरस बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और अगर आपका डॉग हल्का फुल्का स्क्रैच इधर या उधर कहीं भी खेलते समय अगर कर देता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और ना ही आपको हल्के स्क्रैच पर वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। हाँ दोस्तों, अगर वह डॉग जो दूसरा डॉग है वो आपको स्क्रैच कर देता है और वह रैबिस से ग्रसित है और उसका सलाइवा उस घाव पर गिर जाता है, तब आपको वैक्सीन लगवाना मैंडेटरी है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ दूसरे केस में क्या होता है कि कई लोग कहते हैं दोस्तों कि हमारा जो डॉग है हमने उसको पूरा वैक्सीनेटेड कराया हुआ है, उसने हमें घाव दे दिया है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, या थोड़ा बहुत बाइट कर लेता है खेलते समय या नाखून लग जाता है वैक्सीनेटेड डॉग को, जो भी पैट एनिमल है। तो दोस्तों, इस केस में क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस केस में आपको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, चाहे आपका डॉग वैक्सीनेटेड है, बट अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है दोस्तों। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ कि अगर जो डॉग है वह आपको काफ़ी ज़्यादा बाइट कर लेता है या घाव कुछ ज़्यादा ही दे देता है जिससे ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में तो वैक्सीन कंपल्सरी है ही, पर आपको अपनी संतुष्टि के लिए भी वैक्सीन लगवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका डॉग वैक्सीनेटेड है। और दोस्तों, अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है और काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच कर देता है यानी घाव हो जाता है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो भी आपको वैक्सीन लगवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ, इसी तरह मैं आप सभी के लिए दोस्तों वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों।